Hi guys, welcome to my YouTube channel. सर्दी जुकाम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली बेबी के पहले साल में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है और वायरसेस कैच करना बहुत ही आसान होता है, स्पेशली विंटर में. जब वो क्लोज इन्वायरमेंट में रहते हैं, सब कुछ बंद बंद रहता है और हर कोई सर्दी जुकाम से जूझ रहा होता है या उससे बीमार होता है, इसलिए इन्फेक्शन कैच करना बहुत ही आसान होता है. ऐसे में हम पेरेंट्स ऐसे टाइम पर क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए या उनके लिए थोड़ा सा टाइम आसान करने के लिए? हाँ, मेरा आज का वीडियो होम रेमेडी, वो भी जायफल को लेकर के है. ये आपको मार्केट में पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा, या अगर आप पाउडर फॉर्म में नहीं ले पाते हैं तो इसे करना क्या है ये मैं आपको आगे भी बताऊंगी. जायफल के बारे में तो सबने सुना ही है और साथ ही इसके बेनिफिट्स के बारे में भी सभी जानते हैं. ये रेमेडी 6 मंथ से ऊपर जो बच्चे हैं उन्हीं के साथ अप्लाई करना है. तो चलिए आगे जानते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं. पाउडर फॉर्म में अगर आपने ले लिया है तो बहुत अच्छा है, और अगर पाउडर फॉर्म में नहीं मिला है तो आपको किसी भी शॉप पर इस टाइप से मिल जाएगा. आपको करना ये है कि बिल्कुल क्लीन, जैसे सिलपट्टा है तो सिलपट्टे पर अगर आप मसाला पीसा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो वाला उस पर घिस करके देते हैं तो वो बच्चे को, बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा, छोटे बच्चे के लिए. तो आप एक ऐसा सिलपट्टा छोटा सा ले लें जो आपको बच्चे, छोटे बच्चे के लिए काम आ सके. तो छोटा सा सिलपट्टा हो या कोई ऐसा पत्थर हो, झावा पत्थर जिसे बोलते हैं. आपको घिसना है इसे थोड़ा सा, 1 टीस्पून पानी लेकर के, वार्म वाटर लेकर के, गर्म पानी लेकर के, गुनगुना पानी लेकर के आपको उसमें डालना है. सिलपट्टे पर इस तरह से घिसना है, इस तरह से सर्कुलर मोशन में, या इस तरह से घिसना है. 10 से 15 बार घिसने के बाद वहाँ पर एक पेस्ट सा बन जाएगा. वो पेस्ट को आपको, यानी 0.5 ml लेना है और 1 टेबल स्पून में गर्म पानी लेना है, उसी में ये पेस्ट मिक्स करना है और बच्चे को देना है. आप ये डेली बेसिस पर भी छोटे बच्चे को दे सकते हैं. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. ये ऑब्वियसली सर्दी जुकाम से बचाता है, इसके अलावा अच्छी नींद के लिए भी हेल्प करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, स्किन के लिए अच्छा होता है और ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है. तो देर ना करें, सर्दी आ चुकी है और अगर आपके बच्चे सर्दी जुकाम से प्रभावित हैं तो आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दें. और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, खूब सारा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी नए रेमेडी के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग.